क्योंकि यह सत्य की जो जीत हुई है, हिंसा हो रही है, इसका जिम्मेदार भाजपा और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। बैरिकेड फाड़ कर कोशिश कर रहे हैं जाने की, क्योंकि इन्हें संसद का घेराव करना है, नरेंद्र मोदी से सवाल करने हैं। ये क्यों नहीं जाएंगे? पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, क्या हम बताएंगे नहीं क्या गलत हुआ है? तो शांति प्रिय, तो ये शांति प्रिय इसमें क्या हो रहा है? जब भीड़ होती है ये शांति है? देखिए, शांति नहीं दिख रही है आपको? मणिपुर चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश टूट रहा है, और देश को जोड़ने के लिए जो अंधी बोली सरकार है उसके कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये धरना करना बहुत जरूरी था। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां है इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां सांसद घेराव का जो है नारा के साथ यहां पर आया गया, और अभी जो लोग हैं यहां पर बैरिगेट की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है लोग बैरिगेट चढ़कर जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो लोग हैं वहाँ पर बैरिगेट फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में, बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पूरे देश भर से जो है युवा यहाँ पर आए हुए हैं, और अपनी मांगों के साथ जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे। बैरिगेट फाड़ना शुरू कर चुके हैं ये लोग जो है, और यहाँ पर जो है सुरक्षा जवान भी जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, अपनी ड्यूटी में तैनात है, वो रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिगेट क्यों फाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी जो है अपनी कार्यों में पूरी तरह तैनात है, और काफ़ी जो है भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। धक्का मुक्की जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, सुरक्षा कर्मी जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसे बैरिगेट पर चढ़कर जो है वो लोग कैसे नारे लगा रहे हैं, बैरिगेट पर चढ़ गए हैं और नारे लगा रहे हैं पूरी तरीके से, सभी जो है आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग बैरिगेट पर चढ़कर, क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन करना था ना? क्योंकि यह सत्य की जो जीत हुई है, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है इसका जिम्मेदार भाजपा और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस बात के लिए आप बैरिगेट चढ़ रहे हैं? बैरिगेट का घेराव कर रहे हैं, जहां हमारे राहुल गांधी जी युवा नेता हैं। आपका रास्ता रोका जा रहा है? आपका, हमारा सभी जितने भी युवा नेता है, हम लोग सभी का रास्ता रोका जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये इस तरीके से तो डिटेन कर लिए जाएंगे ना? देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग चढ़ गए हैं बैरिगेट पर। कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरी तरीके से जो है लोगों ने ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए। देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है भीड़ आ रही है, और जो है यहाँ पर श्रीनिवास जो है वो भी आए हुए हैं, और बैरिगेट फाड़ने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। जो है इनको जो है संसद का घेराव करना है, और इसके लिए ये जाना चाहते हैं, लेकिन बैरिगेट लगाकर सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने रास्ता रोक लिया है, और रास्ता रोक कर जो है इन्हें जाने की कोशिश नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से जो है ये लोग बैरिगेट तोड़ कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिगेट फाड़ कर कोशिश कर रहे हैं जाने की, क्योंकि इन्हें संसद का घेराव करना है, नरेंद्र मोदी से सवाल करने हैं। इस वजह से जो है ये आप लोग संसद का घेराव करने के लिए जो बैरिगेट फाड़ कर जाएंगे? यस, क्यों नहीं जाएंगे? पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, क्या हम बताएंगे नहीं क्या गलत हुआ है? तो शांति प्रिय, तो ये शांति प्रिय इसमें क्या हो रहा है? जब भीड़ होती है ये शांति है? देखिए, शांति नहीं दिख रही है आपको? जो है देखिए, कैमरा मैन को बोलूंगी दिखाने के लिए, जो है बड़ी संख्या में जो है लोग पूरी तरह से बैरिगेट पर चढ़ गए हैं, और अभी जो लोग नीचे हैं वो बैरिगेट चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है धक्का मुक्की पूरी हो रही है। बड़े जो है बहुत सारे लोग जो है बैरिगेट पर चढ़ गए, और पुलिस कर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी जो है वो भी जो है तमाम लोग यहाँ पर उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिगेट से गिरने लग गए हैं लोग, देखा
देखा जाए, देखिए कैसे बैरिगेट से लोग गिरने लग गए हैं यहाँ पर, तो पूरी खतरा दिखाई दे रही है यहाँ पे। शायद देखा जाए दूसरी साइड का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अगर हमें ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको डिटेन भी किया जा रहा होगा। और यहाँ पर जो बता दें कि यूथ प्रेसिडेंट जो हैं, वो यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसी में हैं, और वो भी पूरे बैरिगेट को फंद कर संसद की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए कैसे ये जो है लोग पूरी तरीके से जो है भीड़ जो है आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा कर्मी जो है वो भी घेराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घेराव करके जो है लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या बल जो है, युवाओं की जो संख्या है वो बेहद ज़्यादा है, और इस वजह से जो है सुरक्षा कर्मी भी जो है वो इनको रोक पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है बैरिगेट पर तो चढ़ ही गए हैं और बैरिगेट पर चढ़कर उधर दूसरी साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आप क्या कहेंगे इस तरीके से जो शांतिप्रिय प्रदर्शन था, शांतिप्रिय प्रदर्शन जो था वो बैरिगेट फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है। शांतिप्रिय प्रदर्शन को आप बैरिगेट फाड़ कर जो है आतंक किस तरीके से हो हल्ला मचा दिया है? इसे हल्ला नहीं कह रहे हैं जी, हम अपनी मांगो अपने देश के लिए कर रहे हैं। आप सबने देखा कि मणिपुर चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश टूट रहा है, और देश को जुड़ने के लिए जो अंधी बोली सरकार है उसके कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये धरना करना बहुत जरूरी था। तो बैरिगेट पर क्यों चढ़ रहे हैं? हमने संसद का कराव करना था, और संसद का कराव करने के लिए हमें रोका जा रहा है, और इसीलिए हम बैरिकेड लाकर संसद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संसद की तरफ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? ये देखिए, ये जो सत्ताधारी सरकार है ये अपनी जोर जमाइश करके हमारे लोगों की, युवा की और देश की आवाज को दबाना चाहते हैं, और अगर ये देश की आवाज को जैसे दबाएंगे हम वैसे शोर हल्ला करके जो ये गूंगी बहरी सरकार है उस तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। वहाँ आप देख पा रहे होंगे तो जो है महिलाएं भी इस रेस में पीछे नहीं है, महिला भी जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बैरिगेट पर चढ़ गई है, और वो जो है आपको डर नहीं लग रहा चोट लग जाएगी, डिटेन कर लिया जाएगा आप सबको? देखिए, हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए, देश को एकजुट करने के लिए अपने जाने दी है, अगर हमें अपने देश को एकजुट करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो है ये सभी जान देने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे जो है इस रेस में महिलाएं भी पीछे होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, जो पुरुष जो है तमाम लड़के जो है वो चढ़ गए हैं, और महिलाएं भी जो है अब बैरिगेट पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश में लगे हुई हैं। किसी को डर नहीं है, चोट लग जाएगा, गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, किसी को डर नहीं है, जान देने तक को ये तैयार है, और संसद का घेराव करने की उम्मीद में वो बैरिगेट चढ़ रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्री। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।